हरमन मम्मा को लेके जा रहा है मम्मा को गिफ्ट दिलाने के लिए। मम्मी के लिए ये रिंग लिए, दिखाता हूँ आपको भाई साहब। बस अभी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स बाकी हैं, 10 मिनट्स के बाद हम बिस्मिल्लाह करेंगे, इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। गाइस ये हरमन मम्मा को लेके जा रहा है मम्मा को गिफ्ट दिलाने के लिए। चलो मम्मा, चलो मम्मा को लेके जा रहा है और डैडी भी बैठे हैं, डैडी भी जाएंगे साथ में। चलो जी चलिए। चलो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ज्वेलर्स की शॉप में। यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं पीएनजी ज्वेलर्स, ये शॉप है। चलो चलो और अंकल कैसे हो? बढ़िया। ये वाली पसंद है? कौन सी पसंद है? कितनी है? वो तकरीबन ये उसमें एक और भी है साइज में, ये भी एक देख लो, ये भी ग्राम के हिसाब से डायमंड के सेंट के ऊपर रहता है उसका, और डायमंड की प्राइस हमेशा बढ़ती है ना, उसका बता दो। कौन सी फाइनल? ये फाइनल की है, तो ये फाइनल कर दी हमने, ये वाली सही है। ये लो एक नोज पिन, और ये भी लिया है नोज पिन, नोज पिन ये लो डाल दो। तो गाइस मम्मी के लिए पीएनजी के ज्वेलर से रिंग वगैरह ले ली है एंड अभी जाएंगे सीधा घर पे, एंड मम्मी को भी पसंद आई वो रिंग, एंड अभी डैडी गाड़ी निकाल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं घर पे। डैडी ने गाड़ी निकाल ली है। चलो जी चलो। सो गाइस ये मम्मी के लिए ये रिंग ली है, दिखाता हूँ आपको भाई साहब। मम्मी कैसी लगी, पसंद आई? बहुत अच्छी है। ये जैसे इसका ऑडी जैसा है इसका जो वो है ना डिजाइन, सही है। और डैडी ओके फर्स्ट क्लास। So guys, हरमन और मम्मा और डैडी घर पे आ चुके हैं वापस, और अभी हम शूटिंग के लिए बैठ रहे हैं,
तो चलिए शूटिंग करते हैं और उसके बाद फिर इफ्तारी भी करनी है घंटे के बाद, एंड उसके बाद जिम जाना है। चलो लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस घर पे ये खाना आ चुका है और अभी भी मतलब आप टाइम देखो अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है, मतलब आधा घंटा ऑलमोस्ट बाकी है। मुझे तो लगता है ठंडा हो जाएगा ना खाने से पहले, तो अभी देखते हैं यार। बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है। ये खाना आया था तो हम निकल गए वहाँ से, उठ के चले गए थे। चलो अभी वापस आ गए। ये अब्दुल मलिक फरीद साहब का व्लॉग देख रहे हैं। 12,000 रियाल का एक बैल है तो देखते हैं भाई। जी बर्गर किंग भी आ गया है, बर्गर किंग भी आ गया है हमारा, एंड ये सारी चीज़ें अभी हमने दबानी है। बस अभी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स बाकी हैं, 10 मिनट्स के बाद हम बिस्मिल्लाह करेंगे, इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। टाइम हो चुका है एंड अभी हम अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके दुआ पढ़ के और मांग के फिर उसके बाद रोज़ा खोलते हैं। चलिए अभी खोलते हैं धड़ाधड़, देखते हैं इसमें क्या क्या सीन है। ओए हाय हाय, ये है कुछ नैपकिन्स, ये है बहुत सारी सॉसेज, ये है फ्राइज, ये है दो, ये रॉयल पनीर है, दो रॉयल पनीर, और ये वेज वूपर क्रिस्पी माशाल्लाह तबारकअल्लाह, और दो और आ गई, इसको रखते हैं साइड में। ये वेज पिज़्ज़ा पनीर बर्गर, और ये है गार्लिक ब्रेड, और ये दो पिज़्ज़ा। चलो जी खाते हैं, मेरा पनीर, मम्मा का पनीर, मम्मा आप भी ले लो पनीर, और चलो चलो बिस्मिल्लाह कर। ऐ देखो ये है वेज वूपर। ओए भाई साहब भूख लगती है मुझे पता है अच्छे से। ये देखो ये देखो, ए भाई कैसा है, ऑसम है। ये है पनीर वाला बर्गर, मेरे को ये पनीर वाला सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें ऑलिव्स होते हैं आए आए, और पनीर की टिक्की होती है, इसलिए दैट्स द रीज़न आई लव दिस पनीर वाला बर्गर। ये लो जी, ओए होए होए मज़ेदार। अभी डोमिनोज का बर्गर पिज़्ज़ा जो है इसको ओपन करते हैं, देखिए भाई क्या पिज़्ज़ा है ये, सॉरी क्या बर्गर है। स्टफिंग दिखाओ। ओए होए 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 भाई साहब, इस पे लगाएंगे हम सॉस अच्छी वाली। लो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा कैसा है, ठीक है, मतलब ज्यादा भी पसंद नहीं। अभी हम दिखाने वाले हैं आपको वेज पिज्जा। ये है वेज पिज्जा जिस पे जाएगा ऑरेगानो। ओए होए 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 होए, ऐसे सॉस डालते हैं हम, उसके बाद मशरूम का स्लाइस ले लो। ओए होए होए होए, ऐ देखो भाई सुक्की मशरूम है, माशाल्लाह। A few moments later. So guys, अभी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, अगर आप देख सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग है मेरी टीम के साथ, 6 मिनट में स्टार्ट होगी, तो ट्रेनिंग लेने के बाद मिलते हैं इनकी। तो स्लोली स्लोली सारे टीम वाले ज्वाइन हो रहे हैं, तो अभी तक 20 लोग ज्वाइन हुए हैं, तो 5 मिनट बाकी हैं, तो जैसे ही सारे ज्वाइन हो जाएंगे तो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे हम। ओके जी, तुम्हारा भाई देखो यहाँ पे। चलो जी, थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक टू ऑल, अच्छे से एंजॉय करिए और हमारा व्लॉग देखते रहिए। थैंक यू सो मच। पक्का सबको अच्छे से समझ आया राइट, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई राइट, तो प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा फॉलो करना ठीक है। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।